आज भारतीय संविधान के इस एपिसोड में मैं बात करूंगी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, और आगे बात करेंगे कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है या हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले आज चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। जैसा आप लोग जानते ही हैं, किसी भी किताब के पहले पन्ने पर उसकी प्रस्तावना, उद्देशिका, या अंग्रेजी में आप कह सकते हैं फॉरवर्ड और प्रीफेस की बात की गई है। लिखा जाता है उसमें कि जो किताब लिखी गई है वह किन बातों पर लिखी गई है, या उस किताब के लिखने के पीछे उसके क्या लक्ष्य हैं, या किस उद्देश्य से लेखक ने उस किताब को लिखी है। इसी तरह से भारतीय संविधान के पहले पन्ने पर उसकी प्रस्तावना लिखी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना माना गया है। यह ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को देखने के बाद आप यह तय कर पाएंगे कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय संविधान बनाने के पीछे क्या लक्ष्य को हासिल करने की बात सोची थी, या उनके दिमाग में, या उन्होंने क्या सोचकर किन आदर्शों को पाने के लिए यह भारतीय संविधान बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को अगर समझना है कि संविधान निर्माताओं के दिमाग में झांकने के लिए जो एक चाबी होती है, एक कुंजी होती है, वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से आप यह समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान बनाते वक्त जो निर्माता थे वह हमारे भारत को किन उद्देश्यों, किन आदर्शों पर खड़ा देखना चाह रहे थे, क्या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बना रहे थे, या क्या लक्ष्य तय करने की बात उन्होंने सोची थी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझना बहुत ज़रूरी है भारतीय संविधान के आदर्शों को समझने के लिए और उसके लक्ष्य को समझने के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बनाने के पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कमिटी की देन है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कमिटी के अध्यक्ष थे और उन्हीं के समय यह बात उद्देशिकाएं बनाई गई थी। तो यह उन श्रेय जो जाता है भारतीय संविधान के प्रस्तावना की, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के को जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का सार माना गया है। यानी अगर भारतीय संविधान को समझना है, उनके आदर्शों को समझना है, उसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या चीज़ें दी गई हैं, अगर इनको समझना है तो प्रस्तावना को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आप चर्चा करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में क्या दिया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता यानी पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाना चाहते हैं। यानी संप्रभुता कैसी, भारत एक कैसा देश होगा, एक संप्रभु देश होगा जिसका किसी बाहरी या आंतरिक शक्ति का जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, यानी वह संपूर्ण स्वतंत्र होगा। लोकतांत्रिक यानी सर्वोपरि सत्ता किसके हाथ में होगी, तो जनता के हाथ में होगी। बात की गई है वयस्क मताधिकार की, बात की गई है एक वोट एक मूल्य की, बात की गई है स्वतंत्र न्यायपालिका की। यानी संपूर्ण सत्ता किसके हाथ में होगी, तो जनता के हाथ में होगी। लोकतांत्रिक देश होगा हमारा भारत। गणराज्य की बात की गई है जिसमें कहा गया कि राज्य का सर्वोपरि जनप्रतिनिधि जो होगा वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया है। यानी भारत का राष्ट्रपति परोक्ष रूप से जनता के द्वारा ही चुना जाता है। यानी एक संविधान निर्माताओं ने भारत को एक ऐसा देश बनाने
की बात की है जिसमें कि संप्रभुता हो, लोकतंत्र हो और साथ ही गणराज्य हो, धर्म निरपेक्षता की बात हो, समाजवाद की बात हो, इस तरह का देश वो भारत को देखना चाहते थे। साथ ही उन्होंने प्रस्तावना में ये कहा है कि समस्त भारतीय नागरिकों को यानी प्रत्येक व्यक्ति को न्याय कैसी होनी चाहिए, न्याय होनी चाहिए, सामाजिक तौर पर न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक तौर पर न्याय मिलना चाहिए और राजनीतिक तौर पर उनके साथ न्याय होना चाहिए। यानी न्याय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर समस्त भारत के नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। बात की गई है स्वतंत्रता की, विचारों की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को विचारों की स्वतंत्रता है, प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। बात की गई है अवसर की, यानी गरिमा, अवसर और प्रतिष्ठा की, हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा समान होगी, समान अवसर की बात की गई है, यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिलेगा, उनमें किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, उनमें लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बात की गई है एकता और अखंडता की, भारत में एकता की बात की गई है, अखंडता की बात की गई है, साथ ही बात की गई है बंधुत्व की, यानी फ्रेटर्निटी की बात की गई है, देश में आपसी बंधुत्व बना रहे, साथ ही बाहरी देशों से भी हमारा बंधुत्व बना रहे, इंटीग्रेटेड फ्रेटर्निटी की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को K.M. मुंशी ने राजनीतिक कुंडली का नाम दिया है। अब मैं बात करती हूँ आपसे, क्या भारतीय संविधान का प्रियम्बल यानी प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा माना गया है या नहीं माना गया था? तो सबसे पहले बेरूबेरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है यानी प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने एक बात और भी कही थी कि अगर भारतीय संविधान का कोई शब्द अस्पष्ट है, यानी उन शब्दों के एक से अधिक मतलब हैं, तो आपको प्रस्तावना को देखना होगा, उन शब्दों को समझने के लिए आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखना होगा, उसके मार्गदर्शक सिद्धांत को पढ़ना होगा कि हमने क्या लक्ष्य तय करने के लिए वो प्रस्तावना बनाई थी। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटते हुए कहा कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना यानी प्रियम्बल जो है वो भारतीय संविधान का हिस्सा है, उसे अलग नहीं किया जा सकता, और साथ में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान को संशोधित भी किया जा सकता है, यानी उन्होंने संशोधन के भी अधिकार दिए और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कह दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो इसका हिस्सा है। केहर सिंह बनाम संघ में याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान सर्वोपरि है और उस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। आज हमने चर्चा की कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी, साथ ही हमने चर्चा की कि क्या वो भारतीय संविधान को समझने के लिए उसके प्रस्तावना को समझना ज़रूरी है या नहीं है, क्या वो हिस्सा है या नहीं है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि भारतीय संविधान के आदर्शों को, उन जो एक वो आदर्श उद्देश्य बनाया गया था, किन उद्देश्यों के लिए बनाया गया था, ये सब समझने के लिए उसकी प्रस्तावना को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आगे भी संविधान पे ऐसे ही चर्चाएं होती रहेंगी। धन्यवाद।